चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव है, मगर आज यह सोचना पड़ रहा है कि हम कौन सा उत्सव मनाएं। सौदेबाजी का या संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों का, यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बलहरा में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के समर्थन में हुई सभा में कही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस सौदेबाजी की राजनीति में तो पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की जगह बोली लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया था कि शिवराज सिंह घर बैठे और कांग्रेस की सरकार काम करे, मगर 7 महीनों से नोटों की सरकार बन गई है। केंद्र की सरकार ने निजीकरण का कानून 2 महीने पहले लाई है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम खरीद अपराध होगा। उन्होंने शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह घोषणाएं करने में अव्वल है, कलाकार अच्छे हैं और घुटने टेक देंगे। अगर वह बंबई चले जाए तो सलमान और शाहरुख को भी पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने अपील की है कि अब सेवा करने वाली कांग्रेस प्रत्याशी को विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। और मुझे बल और शक्ति दी, आज बलेरा आकर नरेश जैन जी जो मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं हमारे बीच में नहीं है। नरेश जैन जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे और मैं जानता हूं उनकी क्या समाज सेवा, पूरे परिवार की समाज सेवा की भावनाएं थी। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, हर जाति के लोग बैठे, हर धर्म के लोग बैठे हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले भी बैठे। कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा देश अपने भारत जैसे है? नौजवानों, ये संविधान आपके लिए है, ये प्रजातंत्र आपके लिए है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया है, पर ये संविधान और प्रजातंत्र तो हमारे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियों का है। क्या हम इस संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्या करना चाहते हैं? अब तो इस राजनीति से तो पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच बना लेना, कोई पार्षद चुनने की जरूरत नहीं है, बोली बोल लेना और पार्षद बना लेना। ये तस्वीर आज हमारे सामने है। 15 साल बाद आप सब ने फैसला किया, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी अब आप घर बैठिए। शिवराज सिंह जी को विदा किया था मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने यह फैसला किया था और कांग्रेस की सरकार बैठाई थी। कांग्रेस की सरकार अपने वोट, अपने मतदान से मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बढ़ाई थी। आज 7 महीनों से नोट की सरकार बन गई। ये जो साथ झूठ बोलते गए शिवराज सिंह जी, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा नहीं माफ हुआ। अभी 3 हफ्ते पहले विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और पहली दफे अपने देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं पर चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का हमने फैसला किया था। दूसरा किस्त समाप्त होने वाला था, तीसरा किस्त जून में शुरू करने वाले थे। और अगर हमारी सरकार रहती तो हर किसान का फसल ऋण 2 लाख रुपए तक का आज माफ हो गया होता। और मैं वचन देता हूँ जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हमारे हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। शिवराज सिंह जी आप इतना भी झूठ बोल रहे, शिवराज सिंह का क्या कहना, जो घोषणा करानी है करा लो, 15,000 घोषणाएं करनी, 15,000। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं उधर खड़े आ जाइए, मंच पर खड़े हो जाइए, आप 15 साल का और 7 महीने का हिसाब दे दिए, मैं आपको 15 महीनों का हिसाब देता हूं, जनता के सामने खड़े हो जाइए। शिवराज सिंह जी कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, कभी लेट जाएंगे मंच पर
कभी घुटने टेक देंगे, आपने देखा ना, घुटने टेक लेंगे, कहेंगे जनता मेरी भगवान है, शिवराज जी ये माफिया आपका भगवान है, जनता आपकी भगवान नहीं है। और मैं तो शिवराज सिंह को हमेशा ये राय देता हूँ, जगह जगह मैं कहता हूँ शिवराज सिंह जी आप तो सलमान खान और शाहरुख खान को भी नीचा दिखा दिए हैं, आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, ये सब आप सबके सामने। सबसे मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं कि आप ये जनता को आप हिसाब किताब दे दीजिए, 15 साल बाद कैसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था, ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन, ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर वन, ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा था जहां महिलाओं की अत्याचार में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, ये हमारा बिलेरा का बाजार चलता है, जब कृषि क्षेत्र में मजबूती होती है, किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है, कोई भोपाल या इंदौर या जबलपुर से यहाँ आके बाजार नहीं करता, हमारे किसान कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति आए, किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है, हम कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ न्यायेंगे, ये आज आप देख रहे हैं, पिछले साल भी तो अच्छा आपकी उपज बिकी थी, आज क्या भाव है। और ये अभी सुरेश पचौरी जी जिक्र कर रहे थे, जो ये कानून लाए, जो ये हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।